गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड जो है दैट इज एसेट अक्रूअल मेथड। जो वेंडर है वो हमेशा अपने अकाउंट्स बनाता है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, लेकिन जो हायर परचेजर है वो अपने अकाउंट्स बनाता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, दैट इज एसेट अक्रूअल मेथड। इस मेथड के अंदर जो एसेट अकाउंट है उसे हम फुल कैश प्राइस से डेबिट नहीं करते फर्स्ट ईयर में, बल्कि हम क्या करते हैं, हर ईयर जो भी हमारा एसेट अकाउंट है उसे हम डेबिट करते हैं उस अमाउंट से जो हमारा कैश प्राइस है, और कैश प्राइस पूरा नहीं, वो कैश प्राइस जो हर एक इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। और लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली यहाँ पे है, दैट इज कि जो डेप्रिशिएशन है वो हमेशा फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट के ऊपर चार्ज होगा। तो देखते हैं इस मेथड के अंदर क्या क्या एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री जो है दैट इज डाउन पेमेंट के ड्यू होने की एंट्री। तो जो आप जब एसेट परचेज कर रहे हो तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देन डाउन पेमेंट करने की एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है आपकी जब वो ड्यू बन रही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट की उसके ड्यू होने की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देन आपके इंटरेस्ट के ड्यू होने की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसमें एक चीज देखिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट की ड्यू हो रही है उसके लिए हम अलग से एंट्री कर रहे हैं, और जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू हो रही है उसके लिए हम अलग से एंट्री कर रहे हैं। देन पेमेंट करने की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट पेड। देन डेप्रिशिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करने की एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके आप नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 25। द चेन्नई ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार फ्रॉम मुंबई मोटर कार ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट ऑन 1st January 2007, paying cash 10,000 rupees and agreeing to pay 3 further installments of 10,000 each on 31st December each year. The cash price of the car is 37,250 and the Mumbai Motor Company charges interest at 5% per annum. The Chennai Transport Company writes off 10% per annum depreciation on the reducing balance method. Prepare journal and ledger of Chennai Transport Company if the accounts are maintained on asset accrual basis. Also show the necessary accounts in the balance sheet of each year. तो जो interest calculate करने के लिए जो हमारा table था वो उसी तरीके से हम बनाएंगे। Cash price है motor car का आपका, द चेन्नई ट्रांसपोर्ट कंपनी कितने में परचेज किया, कैश प्राइस ऑफ द कार इज 37,250, तो कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार 37,250, डाउन पेमेंट जो आपने की दैट इज 10,000 रुपीज की, तो लेस डाउन पेमेंट 10,000 रुपीज की जो बैलेंस बचा दैट इज 27,250। प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर दिया अभी तक आपने, 10,000, इंस्टॉलमेंट पहली थी 10,000 की। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी है वो कितने की बनेगी उसे देख लेते हैं एक बार। इसमें ऑलरेडी आपकी देखो लिखा हुआ है कि 10,000 एंड एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच, मतलब कि 3 साल आपने और इंस्टॉलमेंट्स देनी है और 10,000 रुपीज की, तो 10,000 10,000 10,000, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10,000 है इसमें ऑलरेडी जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है। अदरवाइज भी आप देखिए, जब आपने 10,000 की डाउन पेमेंट की है और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट्स आप 10,000 की दे रहे हैं, तो टोटल हुआ आपका 40,000, लेकिन जो आपका कैश प्राइस है वो है 37,250, तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, इसका मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हम कर लेते हैं, बैलेंस जो आपका बचा आफ्टर मेकिंग द डाउन पेमेंट वो बचा 27,250। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 10,000 की हुई, और जो 27,250 है उसके ऊपर 5% जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 1,362.50। अब 10,000 में से जब आप 1,362.50 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो 8,637.50 आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया। देन आपने जब 8,637.50 को माइनस किया कैश प्राइस के बैलेंस से तो आपका आया 1,862.50। इस अमाउंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट 9,30
0.63, 10,000 माइनस 93 0.63 आपका आ गया 9069.37, देन 18612.50 में से आपने माइनस किया 9069.37 तो आपका बैलेंस आया 9543.13। अब इसका जो इंटरेस्ट है वो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था 10,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, 10,000 में से आप 9543.13 माइनस कर दीजिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, दैट इज 456.87। तो 9543.13 आपका अमाउंट जाएगा प्रिंसिपल की तरफ, 10,000 माइनस 456.87 करेंगे तो आपका 9543.13 आ जाएगा और यही जो है वो आपका कैश प्राइस जाएगा, तो आपका जो कैश प्राइस है वो निल हो जाएगा। तो ये था आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट की। नेक्स्ट जो है दैट इज हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ चेन्नई ट्रांसपोर्ट कंपनी के जर्नल में। सबसे पहले मोटर कार को परचेज करने की एंट्री, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट 10,000 से। देन एडवांस पेमेंट जो आपने की मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद आपका जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ड्यू होने की एंट्री हम करते हैं, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट 8637.50। देखिए इस क्वेश्चन में और इस मेथड में हमने जब पहले भी बात की कि प्रिंसिपल अमाउंट को ड्यू होने की एंट्री हम अलग करते हैं, इंटरेस्ट को ड्यू होने की एंट्री हम अलग करते हैं और इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके फिर हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो वो यही चीज़ यहाँ पर है, पहले हमने जो एंट्री की दैट इज कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री, तो मोटर कार कंपनी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट 8637.50 से। देन इंटरेस्ट के ड्यू होने की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट 1362.50। देखिए ये जो टेबल है हमारा फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर के एंड में ये अमाउंट जो है यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है, तो फुल फ्लेज हमारे पास रेडीमेड क्वेश्चन बन जाता है, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री लिख के उसमें अमाउंट डालनी होती है और वो इस टेबल से आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आया दैट इज हमने पेमेंट जो की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 की। देन डेप्रिशिएशन हमने चार्ज किया डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। देन इसको हमने ट्रांसफर किया डेप्रिशिएशन को और इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देन अगेन आपका प्रिंसिपल ड्यू होने की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री और आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट की करने की एंट्री, ये वो एंट्रीज हैं जो एवरी ईयर रिपीट होंगी टिल जब तक आप लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो मोटर कार का अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट प्रिंसिपल जो है उसके ड्यू होने की एंट्री। देन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट इंटरेस्ट की ड्यू होने की एंट्री। देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री, तो मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रिपीटेड एंट्रीज हैं जो हो रही हैं। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, देन इसको ट्रांसफर करने की एंट्री P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देन अगेन सेम जो चीज़ है वो रिपीट होगी, मोटर कार अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने काउंटर एंट्री कर दी, जो हम ये अलग अलग एंट्रीज कर रहे थे पेमेंट और इंटरेस्ट के ड्यू होने की एंट्री, इसको हमने कंबाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे क्रेडिट में टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट है और यहाँ पे भी जो क्रेडिट है उसमें टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट है, तो हमने काउंटर एंट्री कर दी मोटर कार अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, काउंटर एंट्री है। देन आपका पेमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट की करने की एंट्री मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। देन P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देन लेजर्स जर्नल एंट्री से आप लेजर्स बना सकते हैं, तो सबसे पहले मोटर कार अकाउंट का, सबसे पहले आपने जो डाउन पेमेंट उसकी की थी तो टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट 10,000 की, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया उसके ऊपर 3725 का और जो आपने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट की जो आपने पेमेंट की तो टू मुंबई मोटर कंपनी अकाउंट 10,000 माइनस इंटरेस्ट जो आपका किया 8637.50।
तो बैलेंस आपका दोनों साइड्स को आपने इक्वल किया तो बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। देन अगेन इसे कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर में, डेप्रिसिएशन चार्ज किया अगेन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो आपने पेमेंट किया, देन बैलेंस और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, डेप्रिसिएशन अगेन आपने 10,000 की इंस्टॉलमेंट में से जो इंटरेस्ट था वो माइनस किया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जो कंट्रीब्यूशन गया दोनों साइड को बैलेंस किया तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। देन मुंबई मोटर कंपनी लिमिटेड टू बैंक 10,000 रुपीज, मोटर कार 10,000 रुपीज, देन मोटर कार अकाउंट जो आपका कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल अमाउंट का बाय इंटरेस्ट 1,362 जो आपका कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट का था, मतलब जो ये ड्यू था अमाउंट आपका प्रिंसिपल के लिए और ये जो ड्यू था अमाउंट आपका इंटरेस्ट के लिए, टू बैंक अकाउंट 10,000 जो फॉर दोनों साइड्स जो है बैलेंस हो गई। नेक्स्ट ईयर में अगेन हमारा जो मोटर कार अकाउंट आपका जो बैलेंस ड्यू था प्रिंसिपल के लिए और बाय इंटरेस्ट अकाउंट जो आपका बैलेंस ड्यू था इंटरेस्ट के लिए, अगेन इंस्टॉलमेंट आपने पे की 10,000 की। देन अगेन थर्ड ईयर में सेम चीज़ रिपीटेड की, मोटर कार में प्रिंसिपल अमाउंट आपका और इंटरेस्ट अकाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट एंड देन आपका जो इंस्टॉलमेंट आपने भी की 10,000 की, इसे बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। फर्स्ट ईयर में जो मोटर कार का जो शो हो रहा है हमारा बैलेंस दैट इज 14912, नेक्स्ट ईयर में 206,29.37, नेक्स्ट ईयर में आपका 271,55.25। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, एवरी ईयर हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज्ड बैलेंस हम कैसे शो कर रहे हैं, हम जो बैलेंस में ले रहे हैं हमने क्या कहा था कि जो एसेट अक्रूअल मेथड है जितना जितना आप पे करते जा रहे हैं उतनी एसेट की वैल्यू का उतना ही अमाउंट उसमें ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका बैलेंस बच रहा है मोटर कार का दैट इज 14912, नेक्स्ट ईयर में जो बच रहा है आपका दैट इज 206,29.37, तो वही चीज हमने यहाँ पर शो की 14912.50 और नेक्स्ट ईयर में 206,29.37, तो यही चीज़ यहाँ पर आपकी शो हो रही है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। एंड लास्ट ईयर में आपका जो बैलेंस यहाँ पे बचा आपका जो ये नेक्स्ट ईयर में जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस जो आपका मोटर कार का होगा दैट विल बी 271,55.25। तो थर्ड ईयर में हमने मोटर कार का जो वैल्यू दिखाया दैट इज 271,55.25। तो इस मेथड में एक चीज़ जो आपने नोटिस की दैट इज़ कि एवरी ईयर जो हम एसेट की वैल्यू दिखा रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है। एसेट अक्रूवल मेथड मतलब जैसे जैसे हम पेमेंट करते जा रहे हैं एसेट की जो उसकी वैल्यू है अक्रूवल होती जा रही है और वही चीज़ हमने यहाँ पर शो की है। तो एसेट की वैल्यू इसी वजह से जो है आपकी यहाँ पर इंक्रीजिंग अमाउंट में शो होती है। इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है हायर परचेज का वो कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच।